नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। राजस्थान में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन राजस्थान में सत्ता का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले वागड़ इलाके में नई पार्टी के गठन ने कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी समीकरण को गड़बड़ा दिया है। यहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने 17 सीटों पर चुनावी रण में ताल ठोक दी है। सूबे की कुल 200 में से 59 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी ही प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला करते हैं। और राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि जो मेवाड़ वागड़ जीतता है सरकार उसी की बनती है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कैसे आदिवासी बनेंगे किंग मेकर, ये रिपोर्ट देखिए। आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। जल जंगल जमीन के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या रिश्ता होना चाहिए, आदिवासियों से सीखना चाहिए। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, छोटी छोटी लालच देके इस एरिया को आज तक वोट बैंक बना रखा था। आदिवासी जिसका रखेंगे मान वही जीतेगा 23 में राजस्थान। राजस्थान में सियासी अंगड़ाई, अब की बार त्रिकोणीय लड़ाई। बीजेपी कांग्रेस या फिर बीएपी, आदिवासी देंगे किसका साथ? जिनका 59 सीटों पर सीधा असर, वो आदिवासी बनेंगे किंग मेकर। चौबीस के रण में भले ही अभी समय बचा, लेकिन सियासी मंच तैयार होने लगा है। सभी पार्टियां 23 में ही 24 को साधने की जुगत में लग गई। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चंद महीनों में देश के हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें से एक राज्य ऐसा है जहां हर 5 सालों में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है, और वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान में चंद महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले, ऐसे में हर एक पार्टी अपने सियासी गुणागणित में लग गई। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों जानती हैं कि अगर राजस्थान की सत्ता की चाबी अपनी मुट्ठी में करनी है तो फिर उस वोट बैंक को साधना होगा जिसका सीधा सीधा प्रभाव राज्य के 59 सीटों पर है। कहा जाता है कि जिसने भी आदिवासी वोटर्स को साध लिया, सत्ता की कुर्सी उसी की हो जाती। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक ऐसी सरकार होती है, लेकिन राजस्थान में सत्ता का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले वागड़ इलाके में नई पार्टी के गठन ने कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी समीकरण को गड़बड़ा कर रख दिया। यहाँ पर भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी पहले से ही मजबूत थी। अब इसी पार्टी के 2 विधायकों ने अलग होकर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी बना लिया। यहाँ के 17 आदिवासी सीटों के साथ सूबे की कुल 200 में से कुल 59 आरक्षित सीट ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला आदिवासी और दलित करते हैं। राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि जो मेवाड़ वागड़ जीतता है सरकार उसी की बनती है। यही कारण है कि पीएम मोदी 2 बार, राहुल गांधी 1 बार और सीएम अशोक गहलोत पिछले 5 महीनों में यहां 6 बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा यानी कि करीब 17 साल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर है, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। इसके अलावा हरदेव जोशी बांसवाड़ा से चुनाव जीते थे। यही नहीं, शिवचरण माथुर भी वागड़ इलाके से ही चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे और मुख्यमंत्री बने। ऐसे में कांग्रेस का इस पूरे इलाके से भावनात्मक जुड़ाव भी रहा है। आदिवासी बहुल दक्षिणी राजस्थान से ताल ठोक रही नवगठित दल बीएपी दोनों दलों का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकती है, क्योंकि नई बनी भारतीय आदिवासी पार्टी पहले एक सामाजिक संगठन के रूप में काम कर रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में उसने भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी को समर्थन दिया था,
और अब ये बरसों पुरानी अलग भील प्रदेश के नाम पर राजनीति के मैदान में। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए संवैधानिक जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों को लागू करने का आज तक काम नहीं किया है। उन लोगों ने जो फ्री की योजना है, छोटी छोटी लालच देके इस एरिया को आज तक वोट बैंक बना रखा था। हमारा जो पार्टी का जो विजन है, इसमें नए स्टेट की डिमांड जो की जा रही है ये भी है, क्योंकि गुजरात मध्य प्रदेश का जो बाहुल्य क्षेत्र है, आज पिछड़ा हुआ गुजरात का पिछड़ा हुआ जो इलाका माना जाता है, जो बिलखंड की जो हम डिमांड कर रहे हैं उसी के अंदर है। हमारा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करें, समझदार बनाएं। मेवाड़ और वागड़ इलाके के वो कौन कौन से विधानसभा सीटें हैं जिस पर बीएपी, कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है, चलिए आपको बताते हैं। प्रतापगढ़, बागीदौरा, बांसवाड़ा, घाटोल, डूंगरपुर, खेरवाड़ा, धरियावाड़, गढ़ी, आसपुर, सलुम्बर, उदयपुर ग्रामीण, झाड़ौल, गोगुंदा, सागवाड़ा, चौरासी, कुशलगढ़, ये वो सीटें हैं जहां आदिवासी ही जीत और हार का फैसला तय करते हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही हैं कि प्रदेश का आदिवासी उनके साथ खड़ा है। सरकार होती है ट्राइबल को लेकर, इस देश में जितनी योजनाएं बनी वो कांग्रेस सरकारों ने बनाई, देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितनी योजनाएं बनाई वो हमने बनाई। तो ट्राइबल तो इस देश की ताकत है, हमारी ताकत है। ट्राइबल बेल्ट में तो हमारे राजस्थान का, देश का सम्मान बढ़ाया। हमारी राजस्थान की सरकार की योजनाएं, उसकी चर्चा पूरे देश में है। तो ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस बहुत मजबूत है और राजस्थान में इस बार मेवाड़ की धरती पर ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत कराएगी। देश के हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने काम करा है, चाहे वो SC हो, ST हो, बैकवर्ड हो। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जुड़ाव है वो एक ऐसा जुड़ाव है जिससे हर वर्ग के लोगों में विश्वास जगता है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार पूरी तरह से उनके परिवार के विकास के लिए खड़ी हुई है। ट्राइबल इलाके भी हैं, वहाँ पर पूरी तरह से उनका समर्थन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहेगा। पिछले एक दशक से बीजेपी मेवाड़, वागड़ के इलाके में लगातार मजबूती से पैर जमाती नजर आ रही है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति की 32 सीटें भाजपा ने जीती थी, उसमें से वागड़ क्षेत्र की 10 में से 7 सीटों पर उसका कब्जा रहा था, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी और सत्ता से दूर होना पड़ा था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस वक्त मेवाड़, वागड़ में बीजेपी के पास कुल 28 में से 12 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 10। पार्टी के गुलाब चंद कटारिया मेवाड़ वागड़ इलाके के सबसे बड़े नेताओं में से शुमार थे, लेकिन अब सक्रिय राजनीति से उनकी विदाई जिस तरह हुई है उसके बाद एक बड़ा वैक्यूम बीजेपी के सामने है। ऐसे में बीजेपी इस बार और ज्यादा यहां पर मेहनत करती नजर आ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के मुखिया CM अशोक गहलोत पिछले 5 महीने में आदिवासी बाहुल्य दक्षिणी राजस्थान का तूफानी दौरा कर कई बड़ी परियोजनाएं शुरू कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी आदिवासियों के प्रमुख धार्मिक स्थल मानगढ़ धाम पर बड़ी बड़ी सभाएं कर चुके हैं। ऐसे में बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच बीजेपी का भी पूरा फोकस इन्हीं सीटों पर है। लोकतंत्र के अंदर अलग अलग पार्टियां आनी चाहिए, स्वागत है उनका, और जहां ये लोग जाना चाहते हैं कांग्रेस वाले, वहां जरूर जाएं। मेरा तो इनसे एक ही आग्रह है कि रणथंभौर के अलावा यहाँ पर पीड़ित भी हैं, दुष्कर्म के पीड़ित भी हैं, थोड़ा उनके पास भी चले जाए। इनके जो कुकर्म हो रखे हैं उसकी वजह से नहीं जीतने वाली, हम अपने सुशासन की वजह से जनता को प्रिय हैं। इस देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, अब उनके BTP और BRP में कोई हो गया तो वो ठीक है, जो भी स्थिति होगी हमारी पार्टी तो अपने स्तर पर लड़ेगी। अभी आपको पता है मानगढ़ में राहुल गांधी जी आए थे, वहाँ 5 लाख आदिवासियों की जबरदस्त रैली हुई है, तो जो आदिवासी इलाका है, जो सीटें हैं हमारी, वहाँ एक तरफा कांग्रेस जीतेगी। अगर आंकड़ों की बासी करी पर गौर करें, प्रदेश के कुल 200 विधानसभा सीटों में से 141 सामान्य वर्ग की सीट है, 34 अनुसूचित जाति SC और 25 अनुसूचित जनजाति ST के लिए रिजर्व है। ST सीटों की हिस्सेदारी करीब 12.15% जो कि चुनावी हार जीत के लिहाज से बेहद अहम है।
2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी के खाते में 72 सीटें आईं। कांग्रेस ने 13 एसटी सीटें जीती, वहीं बीजेपी के खाते में 8 एसटी सीटें आईं। बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया को सक्रिय राजनीति से विदाई के चलते उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हैं। वहीं बीटीपी, जनता सेना और अब भारतीय आदिवासी पार्टी का बढ़ता आधार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही सताने लगा है। यही कारण है कि अब ये दोनों ही पार्टियां एक स्पेशल टास्क के तहत इन क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों में जुटी। वहीं राजस्थान में एक कहावत मशहूर है कि जिसने भी मेवाड़ वागड़ का रण जीता, राजस्थान में सरकार उसी की बनी है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24।